हाय फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन क्वेश्चन रखते हैं इन द गिवन फिगर एंगल वी इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री इन ट्रंगल ए बी सी डी ए पारलेल टू बी सी इफ एंगल डी ए बी इक्वल टू एक्स डिग्री एंड एंगल ई ए सी इक्वल टू वाई डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन देखो आपका क्या है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है सिक्सटी फाइव डिग्री है एंगल सी जो है फोर्टी फाइव डिग्री है ठीक है और आपका डी ए ई जो है स्ट्रेट लाइन है जो कि बीसी लाइन के पार्लेर है ठीक है और आपका डी ए बी जो है एक्स एंगल है और ई ए सी जो है वाई डिग्री एंगल है, ठीक है तो आपको क्या करना है यह एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या कह दिया उसको हम लिख लेते हैं तो देखो तो आप जानते हो ट्रैंगल ए बी सी है ट्रैंगल ए बी सी इज जो अंगल ए बी सी ट्रैंगल है उसमें जो है इन विच जोता है आपका डी ए ई जो है डी ए ई जो है पार्ल टू बी सी है ठीक है और आपका एंगल बी इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है उसके बाद आपका एक्स एक्स डिग्री और वाई डिग्री के वैल्यू को इवालुएट करने ठीक है तो देखो तो आपका यहां दिया है कि डी ए e जो है पार्लेल टू बी सी ए ठीक है, है? या देखो जो आपका बी सी लाइन है और डी ए ई जो लाइन है ये क्या है पार्लेल है ठीक है ये आपका मान लेते हैं डी -ए, ए है ठीक है और ये आपका जो है ये क्या है यह आपका बी सी लाइन है और मान लेते हैं हमारा यह ट्रांसवर्सल है कौन आपका ए बी जो है एंड ए बी जो है इज अ ट्रांसवर्सल ठीक है ट्रांसवर्सल है ठीक है तो आप देखो कि आप जानते हो कि दिस एंगल मान लो एंगल वन और यह आपका एंगल टू है तो एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल हुआ किस से आपका अल्टरनेट से एंगल से तो ये सिक्सटी फाइव डिग्री जो है इक्वल टू एक्स डिग्री के बराबर हो जाएगा तो देखो एंगल जो है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ए बी किससे अल्टरनेट से ठीक है अल्टरनेट एंगल से तो देखो तो आपका कौन सा ए ए बी सी दिस एंगल और डी ए बी दिस एंगल ये दोनों जो होता है अल्टरनेट से एंगल से इक्वल है तो ए बी सी कितना है ए बी सी आपका सिक्सटी फाइव डिग्री है और डी ए बी कितना है एक्स डिग्री है मतलब एंगल एक्स इक्वल टू तो कितना सिक्सटी फाइव डिग्री ठीक है एक्स के वैल्यू निकल गया अब आपको क्या करने है वाई के वैल्यू को इवाल्युएट करने ठीक है तो y के वैल्यू को आप कैसे इवेलुएट करोगे तो देखो तो यहां देखो फिर आपका सिमिलरली जो है सिमिलरली, ठीक है आपका D A e जो है पार्लेल है अगेन बीसी के ठीक है देखो डी ए e, पार्लेल है बीसी के अब देखो कि और अब आपका जो क्या है ए सी जो है ट्रांसवर्सल देखो ये भी बी सी और डी ए जो था क्या है पार्लेल है और ये ए सी जो है ट्रांसवर्सल है ठीक है एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल ठीक है तो आप जानते हो एंगल बी सी एंगल बी सी इक्वल टू एंगल ई ए सी एंगल ई e, ए सी ये इक्वल हो किससे अल्टरनेट से ठीक है अल्टरनेट एंगल से तो बी ए सी कितना है आपका फोर्टी फाइव डिग्री है और एंगल ई सी कितना है वाई डिग्री है ठीक है मीन्स वाई एंगल वाई ठीक है तो देखो एंगल इसको वाई डिग्री कर लेते वाई डिग्री तो एंगल वाई इक्वल टू कितना है एंगल वाई इक्वल टू आपका फोर्टी फाइव डिग्री तो आपको x एंड y का वैल्यू पूछ रहा था तो x इक्वल टू कितना होगा x इक्वल टू आपका 65 डिग्री और y इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री आपने इवालवेट कर दिया तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों ओके थैंक यू फ्रेंड्स